हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और आखिरी लेक्चर जो हमने देखा था फॉर कैपिटल बजटिंग, तो उसमें हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात की थी, वो एक कंसेप्ट कवर किया था। चैप्टर में काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, तो मैं पहले रिमेनिंग कंसेप्ट को कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द सम्स विच आर गिवन इन द मॉड्यूल इट सेल्फ। और नो डाउट हमारा पेपर MCQ बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉपर सम्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे, तो ही आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट देखते हैं आगे का। कैपिटल रेशनिंग की बात करते हैं। अब कैपिटल रेशनिंग का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में बहुत ही सिंपल सा है। थियोरेटिकली वो आपको पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या इनमें से किसी टेक्निक के बेसिस पे सम्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वॉट इज एग्जैक्टली कैपिटल रेशनिंग? ये तब होता है जब इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास जो फंड अवेलेबल है बिजनेस के लिए, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें या उसके ऊपर एक बजट इम्पोज कर दें या एक मैक्सिमम कैप लगा दें कि इससे ज़्यादा जो अमाउंट है हम स्पेंड नहीं कर सकते और इतना ही फाइनेंशियल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो रैशनिंग करने का मतलब ही वही होता है, बजटिंग करना, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जब पैसों की कमी हो, लिमिटेड कमी इन द सेंस कि एक लिमिटेशन हो, ऐसा अनलिमिटेड पैसा नहीं बह रहा है कि जितना यूज़ करना है उतना कर लो, जितना वेस्ट करना है कर लो, ऐसा नहीं। यू हैव टू थिंक एंड इन्वेस्ट इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे यूजुअली ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बदले छोटे छोटे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिकॉज कितना फंड किस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए, कितना नहीं, वो बहुत सोच सोच के खर्च करना पड़ता है, बिकॉज एक मैक्सिमम कंस्ट्रेंट तो आ ही जाता है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल रेशनिंग। ठीक है, तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स है, थियरी है, देखो मॉड्यूल है, काफ़ी भर भर के लिखते हैं वो, नो डाउट। तो हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिस्क इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सब कुछ जनरल लिखा है, बिकॉज स्पेसिफिक टॉपिक्स आगे आएंगे, तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही बात करता हूँ। नो डाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस आगे डिटेल में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, बट हम तब देख लेंगे जिस ऑर्डर में है उस हिसाब से। रिस्क को एनालाइज करना कि किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है और कितना नहीं, तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिसाइड करें कि हाँ ये प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है, ये प्रोजेक्ट कम रिस्की है, वो कैश फ्लो, CFAT, EBIT, वो सब तो हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला तरीका है, जो पहला पैरामीटर है, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, उतना हम बोल सकते हैं कि रिस्क ज़्यादा होगा। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिनको नहीं आइडिया, मैं बेसिक बता दूं, बिकॉज कुछ बोर्ड्स में सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, और कुछ बोर्ड्स में नहीं भी कवर होता है। तो बेसिक ये है कि जितना भी कैश फ्लो आपको दिया होगा, ठीक है, कि ये कैश फ्लो है आपका, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा, जिसको हम यहाँ पे एक्स बार बोलते हैं, जो एक्स के ऊपर ये उन्होंने किया हुआ है, एक लाइन की हुई है, तो उसको हम एक्स बार बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट। ठीक है, तो एक्स बार इज नथिंग एल्स बट एवरेज ऑफ कैश फ्लोज। अब आपकी हर एक कैश फ्लो की ऑब्जर्वेशन, जिसको हम एक्स बोलते हैं, वो इस मीन से, इस एवरेज से, इसको मीन भी बोला जाता है, एवरेज से कितना ज़्यादा डेविएट करती है, कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि ऑसिलेशन होता है। इसको मैं ऐसे बना दूँ तो मीन से कितना ऑसिलेशन होता है वो देखा जाता है। तो जितना ज़्यादा ऑसिलेशन, मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज कैश फ्लो सपोज साल का 10 लाख रुपए है, तो कभी किसी साल में 25 लाख कैश फ्लो आता है, किसी साल में 5 लाख कैश फ्लो आता है, इतना हैवी वेरिएशन है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर होगा तो रिस्क भी तो बढ़ जाएगा ना। आप सोचो तो स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, एक कंपनी के शेयर का प्राइस है 2,000 रुपये, और इन्वेस्टर्स को पता है कि ये प्राइस मूव होता भी है ना डेली बेसिस पे, अप डाउन तो होता है प्राइस, लेकिन 2-3% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो 2,000 का 2,050-60 हो जाएगा, कम होता भी है कितनी बार, तो 1950, 1970, 1940, उसे नीचे नहीं जाता है। बट एक स्टॉक ऐसा है जो 2,000 का है, बढ़ने को रातों रात 2,500 का हो जाता है, गिरता है तो सीधा 1,000 पे भी आ जाता है, तो आपको डर किस में लगेगा? ठीक है, ऑब्वियसली जो सेकेंड वाला स्टॉक है उसमें आपको ज़्यादा डर लगेगा कि यार इसका कोई भरोसा नहीं है, ये आज 2,000 का है, कल 1,000 का हो जाए तो सब लूट जाएगा अपना, तो रिस्क नहीं ले सकते, ये टर्म तुरंत आ जाता है आपके मुंह पे। दैट इज़ द डेविएशन। तो एवरेज प्राइस उसका 2,000 है, अगर वो 2,500 भी जा सकता है और 1,000 भी जा सकता है, सोचो कितना डेविएशन ज़्यादा है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये उसका फॉर्मूला है जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन तो मैं आपको सम्स में ही समझा सकता हूँ, तो जिनको ये सब नहीं पता है वो अभी टेंशन ना ले, सिर्फ मीनिंग पे फोकस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। और दूसरा टर्म कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
इसके लिए ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया उसको मीन के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए। तो एक्चुअली में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ऊपर नीचे जो भी है वो कैंसिल ही हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट पैरामीटर है जिससे आप कंपेरिजन कर सकते हो। और ज़्यादा अगर आपको कंपेरिजन करना हो, जैसे दो प्रोजेक्ट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करना हो, तो बेटर है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, क्योंकि उसमें जो मीन है ना उसके रिस्पेक्ट में एक रेशियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन भी चलेगा। तो मोर डेविएशन मोर रिस्क, हायर डेविएशन हायर रिस्क, और ऐसे प्रोजेक्ट से लोग दूर रहते हैं। तो जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना आप उस प्रोजेक्ट से बचने की कोशिश करोगे। तो ऑब्वियस है, ये हो गया, ये फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर आपका। फॉर्मूला है स्टैटिस्टिकल पार्ट में, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। एप्लीकेशन मैं समझाऊंगा नो डाउट, लेकिन एक पॉइंट पे आके तो यही होता है कि हाँ आपको चीज़ों को ध्यान तो रखना ही। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, अब ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होता क्या है मैं आपको इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या फिर डिस्काउंटिंग रेट बोल लो, एक ही बात है कि भाई जितना हमारा ब्याज लग रहा है, जितना हमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब होता ये है कि रिस्क के साथ इसका एक कंपैरिजन कर देते हैं हम, ठीक है, रिस्क वर्सेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द डिस्काउंटिंग रेट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, ऐसा आप ध्यान रखो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की कि वो कितना रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में आपसे चाहते हैं। तो ये आपको समझना है। अब देखो, अगर रिस्क का कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो है 0.5, और उसके सामने इन्वेस्टर आपसे 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और आप उसको बोलो नहीं रिस्क थोड़ा बढ़ गया है, अभी रिस्क है 0.6, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के हिसाब से वो 12% से ज़्यादा रिटर्न मांगेगा या 12% से कम रिटर्न में मान जाएगा? वो यही बोलेगा ना कि भाई मैं रिस्क, ये अमाउंट बढ़ गया ना, मतलब यहाँ पे जो रिस्क है वो हायर है, तो मुझे रिटर्न की भी तो एक बोलते हैं ना हायर अमाउंट की एक्सपेक्टेशन होगी ना, मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मैं ज़्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट तो करूँगा। देखो, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज़्यादा रिस्क लो तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, ज़्यादा रिस्क लो तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट उतना ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लॉस होने की भी होती है, दोनों साइड्स होती है, ये देखनी चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि इन्वेस्टर बोले कि मुझे 14% रिटर्न चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो कंपनी बोल रही है कि अगर सपोज रिस्क का कोएफिशिएंट 0.8 हो जाए तो फिर हो सकता है कि इन्वेस्टर्स बोलें कि हमें फिर 17% रिटर्न चाहिए, अगर 1.0 हो जाए तो इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी रहेगी। तो जितना रिस्क हम लेने को रेडी हैं, अगर जैकपॉट लगा तो फिर ज़्यादा लगना चाहिए, हाँ उतना ही नुकसान होने का भी चांस है, लेकिन रिस्क वही तो है ना कि जितना रिस्की प्रोजेक्ट है, आर या पार, या तो इस तरफ या उस तरफ, 2,000 का शेयर या तो 1,500 का हो जाएगा या सीधा 3,000 का, तो वेरिएशन है तो फिर हमें 3,000 वाला बेनिफिट भी तो दिखाओ। तो वहाँ पे इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी लालच बोल सकते हैं, वो लालच भी है ना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये आपको समझना है, ठीक है, ये बढ़ रही है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कंपेयर टू द अबव अमाउंट, 12 के सामने 14 जो है वो इंक्रीज हो गया, 14 के सामने 17 अगेन हायर अमाउंट। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ये ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अब ये है, ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया, अगर आपको अब क्लियर हो जाए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड, तो जितना रिस्क होगा उस हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट आपको सिलेक्ट करना है। तो जब आप सम सॉल्व करके एनपीवी निकालते हो ना, तब आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि भाई प्रोजेक्ट ए है, इसका जो रिस्क फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.8 है, और जो प्रोजेक्ट, ठीक है हैंड राइटिंग थोड़े अवॉइड कर लेना, प्रोजेक्ट बी है ना, इसका जो रिस्क फैक्टर है वो 1.0 है। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? तो जब आप प्रोजेक्ट ए का एनपीवी निकालोगे तो आप 0.8 के हिसाब से जो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करोगे वो 17% लोगे, और वही जब प्रोजेक्ट बी के केस में आप कैलकुलेशन करोगे तो क्योंकि उसका रिस्क 1.0 है, आप उस पर डिस्काउंटिंग रेट
डिफरेंट लोगे, दैट इज 20%। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ आया। बाकी सब में कुछ नहीं है, बाकी वही प्रोसेस है जो हम करते हैं, एनपीवी वाला पार्ट ए बी सी। सिर्फ डिस्काउंटिंग रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉमन रेट हो सकता है कि ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, नथिंग एल्स। अब इस कंसेप्ट से आगे चलते हैं। देखो इतना पढ़ाने के बाद जब मैं आपको सम्स करवाऊंगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ वर्ड टू वर्ड हम थियोरी को रटे, मतलब समझ में आएगा, एमसीक्यू भी बनेगा और थियोरी पढ़ोगे तो अपने आप मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये आर ए डी आर को इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। फिर बोले सर ये कहाँ से आ गया, आप बताते नहीं हो। बता देता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो। रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। देखो ऐसा है, डेटा में बोला कि अगर रिस्क 0.0 है तो जो डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट जो एक्सपेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स वो है 10%। तो इसका मतलब दिस इज़ द रिस्क फ्री रेट, कि जहाँ कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को कुछ तो रिटर्न चाहिए ना, तो 10% में वो अग्री कर रहे हैं। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। सपोज ऐसा है तो अब देखो ये है आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अगर आपको समझ आया हो तो इसमें 10% तो वो रेट है जो बिना रिस्क के भी वो मांग ही रहे थे, बट उन्होंने जो ये रिस्क लिया 0.0 से 0.2 पे आने का, तो उसके सामने कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 2% ही तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो ये 2% क्या है, ये प्रीमियम है, और ये 10% क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। क्या नया था इसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसमें देख लो 15% मांग रहे हैं ना 0.5 के रिस्क पे, तो 10% तो बेसिक वैसे भी मांग रहे थे, एक्स्ट्रा कितना मांगा, 5 ही ना। तो प्रीमियम वही होता है ना जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो दिस इज आर पी एंड दिस इज आर एफ। आई होप समझ आ गया होगा। तो कोई ऐसा ना आसमान से टपका वो फॉर्मूला नहीं होता है, कोई मतलब बताने वाला चाहिए ताकि आपको वो चीज़ टफ ना लगे, आपको ईजी लगे। क्लियर है? इसके बाद एक कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। मैं पहले मीनिंग बता रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं। हाँ, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। अब यहाँ पे ऐसा है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता क्या है, देखो आपकी भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है, पहली बात तो आप पूरा अटेम्प्ट करते नहीं, ठीक है, मैं खुद भी नहीं करता हूँ। सपोज आपने अटेम्प्ट किया 90 मार्क्स का पेपर, जन्नत है, कोई टेंशन नहीं, नाचते नाचते क्लास से बाहर निकलेंगे, 90 मार्क्स तक तो पहुंच गए, लिख तो दिया। अच्छा अब घर पे आके पेरेंट्स का सवाल, बेटा कैसा हुआ पेपर, कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप बोलते हो यही सवाल मिला था, पहले कुछ नाश्ता पूछ लो, 3 घंटे से पेपर लिख रहा हूँ। आपके मन में ये होता है, लेकिन मुँह पे बोलोगे तो पता है कि गाली पड़ने के चांस ज़्यादा है, और अभी नहीं पढ़ी तो बाबा भी छाने हैं ना, फिर रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। चलो रिजल्ट आने दो, अभी तो बहुत उछल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे इसको, पास हो गया तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं हुआ तो फिर ये वाली बात याद कराएंगे, ठीक है। तो आपको भी डर लगता है। अब 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया आपने, उनको बोला तो 90 आ जाएंगे क्या? ऐसा जिस दिन हो गया ना उस दिन पता नहीं आप खुद के साथ क्या कर बैठोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तो आप जब 90 मार्क्स का पेपर लिख के आते हो तो आप क्या बोलते हो कि देखो मैंने 90 मार्क्स का पेपर लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से मेरे 70 तो पक्के पक्के, मतलब एकदम पक्के, और ये पक्के अभी से इसलिए है ताकि अभी से मार ना पड़े, कम से कम रिजल्ट तक तो शांति। अच्छा फिर उस दिन 40 आते हैं, माँ बाप भी बोलते ये पक्का था तेरा, 90 में से तो 40 लेके आया है, तो आधे से ज़्यादा तो पेपर रॉन्ग कर दिया जो लिखा था, तो मार्क्स क्या स्कोर किए? तब पोल खुलती है कि आपने किया क्या था, ठीक है। चलो अपने इस बात को भूल जाते हैं, अभी से क्यों टेंशन ले। लेकिन आपने बोला कि 70 मार्क्स पक्के, तो 100 मतलब 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 90 की गारंटी तो आप नहीं दे रहे हो ना, आप गारंटी कितने की दे रहे हो, 70 की। तो सर्टेनिटी कितनी, 90 में से 70, तो ये आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का फैक्टर। अब यह वैल्यू निकाल लो 7/9 जितना भी होगा, दैट इज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, ठीक है, यार है 0.78, ठीक है 0.78, इसको अपने बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर या वैल्यू। आगे आई समझ में? तो आपको यही चीज़ कैश फ्लोज के फॉर्म में दी होगी। तो कैश फ्लोज तो हमने बात की थी कि एक्सपेक्टेड होते हैं, एंटिसिपेटेड होते हैं, तो आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं,
ईयर वाइज। कैश फ्लोज का अमाउंट हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज रैंडमली अज्यूम कर रहा हूँ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कहाँ से आए ये अमाउंट्स। सिक्स पैक्स, ठीक है, जो भी अमाउंट्स दे रखे हैं कैश फ्लोज के। आपको ना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का फैक्टर साथ में दिया होगा कि जो ये कैश फ्लो लिखा है ना, इसकी श्योरिटी इतनी है, इसकी श्योरिटी इतनी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भले कैश फ्लोज ये तो एंटिसिपेटेड होते हैं, एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि अभी तो होने वाले हैं, अभी से कैसे बता दें। तो 2 लाख जो आपने एस्टिमेट किया है उसमें से आप 90% श्योर हो कि भाई 1,80,000 जो है ना उतना तो कलेक्ट होगा ही होगा, ये इतना सर्टन अमाउंट है। बाकी 20,000 रिस्क पे होने को, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 190, 195, 2 लाख, कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम इतना तो होगा। तो जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच हम यूज़ करते हैं तो हम इसको मानते हैं कैश फ्लो, जिसके बेसिस पे हम एनपीवी या जो कुछ भी है कैलकुलेट करते हैं। तो इनको कैश फ्लोज माना जाता है, ठीक है, और इसको सिर्फ यूज़ करते हैं हम एक बेसिक या गारंटीड कैश फ्लो निकालने के लिए, और फिर इसके ऊपर पूरा जो भी एनपीवी का फॉर्मूला लगना है, आगे कैलकुलेशन होना है, डिस्काउंटिंग होना है, वो होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, कोई बहुत परेशान करने वाली चीज़ नहीं है अगर आपको बेसिक पॉइंट पता है तो। आया है समझ में? इसके बाद एक कंसेप्ट है डिसीजन ट्री, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और कोई छोटे कंसेप्ट देख लेता हूँ जो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा सकूँ, तो एक लेक्चर में एटलीस्ट आपके छोटे टॉपिक्स कवर हो जाए। सेंसिटिविटी एनालिसिस बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत ही इजी और बेसिक सी चीज़ है, बताता हूँ क्या है। देखो सेंसिटिविटी मीनिंग पता है सेंसिटिविटी का? टीवी पे ऐड देखिए, ठंडा मीठा खाने से दांतों में झंझनाहट होती है, उसके लिए उसे सेंसिटिविटी कहते हैं, उसके लिए टूथपेस्ट यूज़ करें, सेंसोडाइन, अब याद आया होगा। तो सेंसिटिविटी इज़ अ पॉपुलर कंसेप्ट, आपने ये सुना है। अब वहाँ पे जो उनका मतलब होता है कहने का, वो टूथपेस्ट वाली एड में उनका मतलब ये है कि आप अगर एक छोटा सा बाइट आइसक्रीम खा लो, कोई ठंडी चीज़ खा लो एकदम से, तो आपको अब थोड़ी सी आइसक्रीम का एक बाइट खा लेने से कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया, कोई करंट नहीं लग गया आपको, बट आपके दांतों को ऐसा ही फील होता है जैसे करंट लग गया हो। तो वही तो वो बोल रहे हैं कि सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, किसी का नेचर भी होता है, बोला बहुत सेंसिटिव नेचर है, इसका मतलब क्या है? देखो आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी कि एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड या एज अ स्टूडेंट, आपका नेचर जो है सबका अलग अलग होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, आपने देखा होगा, टीचर ने ऐसे गुस्से से देख भी लिया ना, वो रोने बैठ जाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं आके उनको डांट दिया, हाँ मारना तो बहुत दूर, अगर उनको डांट दिया, गुस्से से देख लिया, कुछ बोल भी दिया ना, तो उनका रोना ही निकल जाता है, वो रोने बैठ जाएंगे, फिर उनको चुप कराना भारी पड़ता है, टीचर को गिल्टी फील होता है, यार इसको कहाँ डांट दिया, बेचारा इतना सीधा बच्चा और फालतू की बातें सुन ली मुझसे, ऐसा होता है। और कुछ नालायक ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको तो मतलब टीचर अपना जूता भी उठा के मार देना, वो फिर भी हंसते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो तो रेडी होते हैं, हाँ क्लास से निकालो, हम पूरे स्कूल का चक्कर काट के आ जाएंगे। तो सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है, वो बच्चे की जो बेचारा तुरंत से रोने बैठ गया, या वो बच्चा जो चप्पल खा के बाहर जाने का इंतजार कर रहा था? तो आपको समझ में आ गया ना कि सेंसिटिव कौन है, जिसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया पर उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लग गया, और एक इतना ढीठ है कि उसको इतना थप्पड़ भी मारे, जूता मारा, उसको बाहर निकाल दिया, उसको कोई असर ही नहीं हो, कल फिर वापस वैसा ही है। तो उसको तो बोले मतलब दीवार में सर मारने जैसी बात हो गई, ऐसा बोलते हैं ना कि आप उसको कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनसेंसिटिव पर्सन है वैसा अपने बोलते हैं ना कि यार बेकार इंसान है, इसको कुछ भी बोलो इसको कोई बात का असर ही नहीं होता। तो दैट इज़ द यू नो पैरामीटर ऑफ सेंसिटिविटी, के छोटी सी बात का असर हो जाना और बड़ी से बड़ी बात का भी असर ना होना, सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव। यहाँ पे जो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं ना, उसमें पता है कैसा कंसेप्ट है, आप जैसे एनपीवी गिनते हो तो उसमें हम सम्स में देखते हैं कि सारा डेटा होता है, भाई सेल प्राइस होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब चीज़ें अपने पढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, लास्ट में मतलब कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करो आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो जो मार्जिनल कॉस्टिंग अपने पढ़ते हैं ना, वैसा कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी कहीं करते हैं।
पॉइंट ये है, जो भी डेटा आपको गिवन है ये सब कुछ, उसके बेसिस पे आपने एक एनपीवी गिना, एनपीवी की वैल्यू आ रही है 50,000 रुपये। अब जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट का वो 100 रुपीज़ है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर सेल प्राइस को हम 5% से कम कर देते हैं, 95 बना देते हैं, तो ये बताओ कि एनपीवी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपने पूरा सम कैलकुलेट किया नाउ अगेन बाय टेकिंग द अमाउंट ऑफ सेल प्राइस एज 95 रुपीज़ पर यूनिट। जब आपने गिना तो जो नया एनपीवी आया, जो सेकेंड एनपीवी आया, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिड्यूस्ड सेल प्राइस, वो एनपीवी आया 20,000 रुपये। हो सकता है ना ऐसा अमाउंट, तो मैथमेटिक्स पे कुछ भी आ सकता है। पॉइंट ये है कि सेल प्राइस की तरफ एनपीवी कितना सेंसिटिव है ये बताना है। तो देखो, सेल प्राइस में चेंज हुआ 5% का, एनपीवी में कितना चेंज आ गया, मतलब 50,000 से सीधा 20,000, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 60% डाउन हो गया। बोले सर 60% कैसे, अब ये तो गिनना आना चाहिए ना। 50,000 रुपये के सामने 30,000 रुपये का रिडक्शन, तो चेंज 30,000 का आया कितने पे, 50,000 पे। तो इसको आप परसेंटेज में गिनोगे तो दिस इज 60% डाउनफॉल। अब 40 ही बचा, 50 के सामने 20 बचा, 100 के सामने 40 बचा, तो 60% डाउनफॉल आ गया। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ 5% सेलिंग प्राइस कम करने से सीधा 60% एनपीवी कम हो गया। तो ऐसे एनपीवी को आप क्या बोलोगे, हाईली सेंसिटिव बोलोगे या लेस सेंसिटिव बोलोगे? भाई मैं तो हाईली बोलूंगा, 5% के सामने 60% है तो बहुत ज़्यादा बुरा मान गया, मतलब थोड़ा सा चेंज क्या आया, एनपीवी तो पूरा हिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि सेंसिटिविटी इज टू हाई टूवर्ड्स सेल प्राइस। अब ये सेल प्राइस का एग्जाम्पल लिया मैंने, वहाँ पे फैक्टर कोई और भी हो सकता था, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते थे कि अगर मान लो मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट 10% बढ़ जाती है तो एनपीवी पे कितना असर होगा, वो गिन के देख लेंगे। तो उससे एक रिलेशन पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और कितना कम सेंसिटिव है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। बेसिक जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो यही है, और आपको वैसा ही यहाँ पे भी मिलेगा। तो एक बार पढ़ के आप इसका कंसेप्ट आराम से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना मोर देन इनफ है। इसके बाद क्या है, सिम्यूलेशन। सारी टेक्निक उठा उठा के ना दूसरी बुक से सब डाल दिया इन्होंने, सिम्यूलेशन, ठीक है। इसको ना मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं। ये पूरा अब एक्चुअली में कैसा है ना कि कैलकुलेशन है। अब जब तक यहाँ पे कोई कैलकुलेशन ना हो, मैं यहाँ से बड़बड़ करता जाऊँ, देख देख के बोलता जाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर ये हो गया कि आप पूरा एक बोलते हैं ना कि सम सॉल्व कर लो इसके ऊपर। इसमें रैंडम नंबर्स का यूज़ होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसमें, मतलब साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, तुक्के वाली टेक्निक ज़्यादा है। कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, जैसे हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि अगले 10 दिन डिमांड कैसी रहेगी हमारे प्रोडक्ट की। तो 0 to 99 में 100 नंबर्स हो गए, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। फर्स्ट फर्स्ट डे की सेल्स इतनी इतने नंबर से करस्पॉन्ड करे, सेकेंड डे की सेल्स दूसरे नंबर से करस्पॉन्ड करे, उसके बेसिस पे हमें आगे पूरा कैलकुलेशन करके एक फोरकास्टिंग करना होता है। तो आप इसको फोरकास्टिंग बोल सकते हो या फिर एक हाइपोथिकेशन बोल सकते हो, एक हाइपोथिकेटेड सिचुएशन सेटअप करना रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, ऐसे ही चलती है ये। तो इसको मोंटे कार्लो सिम्युलेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब ये रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कंप्यूटराइज ले लेते हैं या रैंडमली उठा लेते हैं, और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। इतना ही अभी मैं बता सकता हूँ, भले थियोरी में है, क्योंकि आगे कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कोई सम ना हो। तो अभी के लिए इस टॉपिक में तो इतना ही रखना चाहिए, वही बेटर है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अंडर अनसर्टेनिटी, वो रिस्क के बारे में बताया है, ये बीटा फर्म का रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सब आपने दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ फिर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो एक बार आपको पता चला होगा। और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं फॉर रिस्क एनालिसिस। अब ये एक पूरा नया सेगमेंट ही स्टार्ट हो रहा है जैसा मुझे दिख रहा है, तो आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस इन द करंट लेक्चर बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपने काफ़ी टेक्निक्स तो सीख लिए, एक बार आप इतनी टेक्निक्स के ऊपर हाथ साफ कर लो, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम बाकी की टेक्निक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉक में मैं ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में आपको समझा दूंगा,
और फिर उसके बाद क्या है, फिर तो क्वेश्चन ही आ जाएंगे डायरेक्टली। तो बस एक एक सेशन मेरे हिसाब से और लगेगा जहाँ पे ये टेक्निक्स और इनके ऊपर जो सम्स हैं उसको हम थोड़ा ऑडिट करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर अगले सेक्शन में हम डायरेक्टली सम्स पे जा सकते हैं। और सम्स में जो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाना है वो मैं बता दूंगा, तो हमारा चैप्टर जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो पता चला होगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक इसको पहले अच्छे से रेफर कर लें, एंड देन हम इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।